आज जिस तरीके से माहौल देखा जा रहा है बीजेपी कार्यालय में, क्या लग रहा है? आज आप देख रहे हैं जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, इसी प्रकार का उत्साह पूरे देश भर में है। जिस प्रकार से आज NDA द्वारा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को पुनः NDA का नेता चुना गया, इसके लिए लोग बहुत प्रसन्नचित हैं। निश्चित रूप से उसके हर क्षेत्र में विकास की एक नई यात्रा हुई। इस प्रकार से आज पुनः मोदी जी को NDA का नेता चुना गया है और एक बार पुनः मोदी जी के नेतृत्व में देश नई विकास की यात्रा तय करने वाला है। निश्चित रूप से इसके कई कारण रहते हैं, उसको पार्टी समीक्षा करेगी और उस पर पार्टी, जैसा आपने हमारे वरिष्ठ नेताओं का लगातार बयान भी सुना होगा, एक चुनाव के परिणामों के बाद हमेशा परिणामों की समीक्षा होती है, उसको किया जाएगा। मुख्यालय में जश्न मना रहे हैं क्या? जी बस इसी बात के है सर, जनता जनार्दन ने जो सम्मान दिया हम उसके सम्मान का जो है सम्मान करते हैं। और तीसरी बार जो हम लोग का लक्ष्य था, जो नारा लेके चल रहे थे कि तीसरी बार मोदी सरकार, तो कहीं ना कहीं से वो हमें भारतीय जनता पार्टी उस लक्ष्य को पाने में सफल रही है। और आप देखेंगे कि 9 तारीख को देश जब उस तरीके का माहौल रहेगा जिस तरीके का 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, तो जो माहौल भारतवासियों को था सेम वही माहौल मिलेगा जब भारतीय जनता पार्टी का नेता नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री पद की शपथ लेगा, तो देश में वैसे ही हालात रहेंगे। और अटकलें लगाई जा रही थी कि इस बार NDA की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी तीसरी बार सरकार बन रही है, क्या कहेंगे? अटकलें विपक्ष लगा रहा था, अटकलें ऐसा नहीं, जो देशभक्त थे, जो राष्ट्रभक्त थे, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और जो देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते थे, जो देश के मुख्य धारा से जुटना चाहते थे, उन्हीं लोगों ने देश को विजय दिलाया है। और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की विजय नहीं बल्कि 1,40,00,00,000 जनता की विजय है, देश की विजय है, गरीबों की विजय है, किसानों की विजय है, महिलाओं की विजय है, सेना की विजय है, मजदूरों की विजय है। इन सारी विजय को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार सरकार बनाई है, तो रिकॉर्ड बनाए। नेहरू जी का कार्यकाल भले कम हो सकता है लेकिन 5 साल भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी। और विपक्ष इसी पे खुश है कि वो जो है ये तोड़ देंगे, वो तोड़ देंगे, 6 महीना शायद साल बच चलेगी, तो ये करते करते भी 5 साल हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी अपना 5 साल का कार्यकाल जो पूरा करेगी। इसको लेकर प्रदेश मुख्यालय में जश्न मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? तीसरी बार फिर से मोदी जी की सरकार बनने के लिए सभी देशवासियों को बहुत बधाई एवं धन्यवाद। इस बार माननीय मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, ये देश के लिए गौरव की बात है। इस बार भारत को विकसित बनाने के लिए और बड़े बड़े काम होंगे, और बड़े बड़े जो कार्य पेंडिंग पड़े हैं सारे कार्य होंगे, और जो भी कमी रह गई उसकी समीक्षा की जाएगी। और ये गर्व की बात है कि फिर से देश को मोदी जी प्रधानमंत्री मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में देखा गया कि NDA का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है, इस पर समीक्षा की जाएगी, इस पर पार्टी समीक्षा करेगी, इस पर समीक्षा की जाएगी, जो भी कमी रह गई है उसको फिर से दुरुस्त किया जाएगा और फिर से अगली बार प्रचंड बहुमत से फिर हम लोग आएंगे दोबारा। प्रदेश में तीसरी बार NDA सरकार फिर से बनाने जा रही है, इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यालय में आज भाजपा कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़े हैं और मिठाई बांटने का भी काम किया है। इसी को लेकर हमारे साथ एक महिला, उनसे हम बात करेंगे। मैडम, आज आप लोग जीत के जश्न मना रहे हैं, क्या कहेंगे? आप सबको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो कि हमारी सरकार दोबारा बनने जा रही है और तिबारा बनने जा रही है, और ये सबके दिलों में एक्चुअली फूल खिले हुए हैं, और जो भी बहुमत मिला है हमें वो एक्चुअली अच्छा हुआ है। एक्चुअली हमारे लिए थोड़ा टफ कॉम्पिटिशन है और टफ करने में ही मज़ा है ना। कहा गया था कि 400 पार के नारा के साथ इस बार चुनाव हो रहा था, लेकिन कहना 400 पार का आंकड़ा नहीं पार हुआ। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन रिजल्ट क्या है, हमारा पॉजिटिव है, गवर्नमेंट हमारी बनने वाली है, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी थोड़ी बहुत टफ जब चीज़ें होती हैं ना तो कार्य करने का मज़ा ही कुछ और होता है। जो चैलेंजेस हैं वो तो रहेंगे ही और आगे बड़े बड़े चैलेंजेस लेके हमें आगे बढ़ना है। हमें 400 पार के आगे 500 पार करेंगे, लेकिन जो हमारा ये है कि हमें जो भी हमारे टारगेट थे वो पूरे नहीं होंगे, उसके और भी ज़्यादा टारगेट पूरे होंगे, सिर्फ उतने ही नहीं और भी ज़्यादा पूरे होंगे। और जो हमारी सरकार है जिसने जो कभी कहने में नहीं करने में, जब उसने करके दिखाया तो लोगों का विश्वास प्रबल हुआ, तो हम ये अपनी सरकार को बहुत बहुत बधाई देते हैं और सभी बधाई के बहुत ज़्यादा पात्र हैं, सबने बड़ी मेहनत की है, एंड आई अप्रिशिएट टू एवरीबडी, थैंक यू। उत्तर प्रदेश में देखा गया अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है NDA गठबंधन का, NDA गठबंधन की सीटें सबसे ज़्यादा निकली हैं। देखिए परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा रहा है इसीलिए हमारी सरकार बन रही है, बाकी थोड़े बहुत चीज़ें होती हैं कि गर्मी थी, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन्स होते हैं, लोगों को मिसगाइड करते हैं लोग, तो मिसगाइड करने में भी जो भोली भाली जनता होती है ना वो जो है ना थोड़ा
मिस गाइड हो जाती है, है ना, कि उसको कहते हैं उसकी दुखती रक्त पे अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो नौकरी नहीं मिल रही है जी, जबकि आजकल के युवा जो हैं जो रोजगार वो खुद अपना व्यापार खुद कर रहे हैं, अपना खुद बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं, तो कोई भीख मांगने वाली स्थिति नहीं है। पढ़ाई लिखाई इसलिए होती, ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट हमें जॉब दे, हम खुद भी कुछ कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने तो इतना अच्छा किया है कि मुद्रा लोन, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, बहुत सारी योजनाएं किस लिए चलाई हैं कि स्वरोजगार हो और ज़्यादा तरक्की हो लोगों का। लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं, खुद करने से जो इच्छा जो आगे कोई बन सकता है ना, तो वो उसकी बात ही अलग होती है। बाकी जो हमारे जो राम मंदिर में जो घर तोड़े गए, लोग उससे थोड़े दुखी हो गए थे, लेकिन लोगों ने दूर जो दूरदर्शिता होती है ना कि जो घर तोड़े गए उसके बाद जो उसका आधुनिकीकरण होगा, उससे जो विकास होगा वो इंटरनेशनल विकास होगा, तो जो वहाँ के लोग हैं उसका चहुमुखी विकास होगा, तो वो छोटे स्तर पर देख रहे हैं कि हाय मेरा घर टूट गया। वो ये नहीं देख रहे हैं कि घर तो गवर्नमेंट देगी ही देगी, साथ में उसके विकास के बहुत सारे आयाम, बहुत सारे बहुआयाम देगी काम करने के लिए। वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, हर चीज़ इंटरनेशनल हो रही है, लोग इस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं कि हाय मेरा घर टूट गया, हाय मेरा ये चीज़ हो गया, हाय मेरा वो चीज़ हो गया, ऐसा नहीं है। अभी उसका इतना विकास अभी और होना बाकी है कि दुनिया क्या विश्व देखेगा। ये तो उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता जिन्होंने साफ तौर बता दिया कि हम एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, जिसको लेकर हम काफ़ी हर्षोल्लास में हैं, और लखनऊ से जो प्रत्याशी राजनाथ सिंह वो फिर तीसरी बार सांसद बनके संसद जाएंगे। कैमरा पर्सन नीरज के साथ एनटीवी स्पष्ट रूप से समीर खान, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल एनटीवी निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।